और अच्छाई का साथ दे रहे हो तो तुम्हारा कोई कुछ सुखाड़ नहीं पाएगा। बोला तुमसे परेशान हो जाऊंगा तो बहुत लोग परेशान कर देगा, ठीक है? और कई शहर में क्या होता है कैसे होता है बोल देना कि मेरा एक अनजान भैया भी है, बात मत करना। बोलना कि मान लो कि मैं गलत किया हूँ भैया, तुमसे सीनियर है तो भैया ही बोलना जी। आप सही कर रहे हैं, वह बड़का मरद भजवाना, ये इज्जतदार के काम अरे चूतिया तो है, पागल है। बाकी हम तुम्हारे लिए बॉम्बे में खड़े हैं, ठीक है? भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह ये कह रहे हैं कि बाबू घबराने की बात नहीं है, मुंबई में तुम्हारा एक बड़ा भाई यानी पवन सिंह भी है, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं, सच का साथ हमेशा देना। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग लगातार वायरल हो रही है और यह कहा जा रहा है कि पवन सिंह और पंकज सिंह के बीच बातचीत हो रही है। वही पंकज सिंह जिसने खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गाया और भोजपुरी में विवाद शुरू हो गया। यह भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह जाति के नाम पर गलत गाने वाले लोगों को समर्थन करते हैं और खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गाया है तो पंकज सिंह को इन्होंने ही गाना दिया और गाना गवाया है। अब इस वायरल कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई को हम समझेंगे कि पवन सिंह तो बात कर रहे हैं लेकिन उनके सामने कौन है, मामला कब का है। दरअसल आपको बता दें कि मामला 4-5-6 साल पुराना बताया जा रहा है। जो हमने तहकीकात की है उस अनुसार से यह मामला संदीप तिवारी और पवन सिंह के बीच का है। संदीप तिवारी और पवन सिंह फोन पर बात करते हैं, ये तब की बात है जब खेसारी लाल यादव को छोड़कर अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ मूवी और गाने में काम करना शुरू कर देती है। उस वक्त एक गाना संदीप तिवारी ने गाया, उस गाने का बोल है कि खेसारी हवन न मरद असली, यही से जाकर पवन से फसली, यानी कि खेसारी लाल यादव असली मर्द नहीं है इसीलिए अक्षरा सिंह को छोड़कर पवन सिंह के साथ इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दी है। जिसके बाद संदीप तिवारी को खेसारी लाल यादव फोन करते हैं और खूब उनके बीच बातचीत होती है, यहाँ तक कि तू ता सब कुछ हो जाता है। जिसके बाद पवन सिंह संदीप तिवारी को फोन करते हैं और कहते हैं कि डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, तुम्हारा एक भाई मुंबई में है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम सही रहोगे। पवन सिंह यह भी कह रहे हैं कि कॉल रिकॉर्ड मत करना, अगर कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम हमेशा सच बोलने और सच के साथ खड़े रहने वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं। जिसके बाद सामने संदीप तिवारी जो है वो यह भी कह रहे हैं कि भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, हम आपको आदर्श मानते हैं इसलिए हम कॉल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन यह कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है, वायरल तब होती है जब खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गाया जाता है और वायरल इस रूप में होती है कि पवन सिंह और पंकज सिंह के बीच बातचीत हो रही है, जो खेसारी लाल यादव के समर्थक हैं इंडस्ट्री में और जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो बबुआन और हिरान करना चाहते हैं, उन लोगों ने वायरल किया है। उनका मानना है, वो लगातार यह कह रहे हैं कि देखिए पवन सिंह कैसे कैसे कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गाना बनवाने में पवन सिंह का ही हाथ है। यह भी कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गाई गई है तो उसमें पवन सिंह का ही हाथ है। लेकिन इस वायरल कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई हमने तहकीकात की और जो हमने आपको बताने का काम किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। हेलो फोन भैया, नमस्कार। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? भैया बस आपका दया है, आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। आपको हम मेरा रिकॉर्डिंग मत करना, ठीक है? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे, आप परेशान मत होइए, आप मेरे भाई के तरीके हैं। परेशान हो जाऊंगा तो बहुत लोग परेशान कर देगा, ठीक है? हाँ। मुझे मत ये सब दिलासा दो कि परेशान मत होइए। नहीं नहीं हम ये दिक्कत नहीं, तो भाई हो इसके लिए तुम बात कर रहा हूँ, बात सुनो पहले जी, ठीक है जी? बोलिए। अच्छा हो, अच्छा बन के रहो जी जी, और अच्छाई का साथ दे रहे हो तो तुम्हारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। बोला तुमसे जी, अच्छाई का साथ दे रहे हो तो तुम्हारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हाँ तो जी भैया, हम तो सच्चाई का साथ देगा, अपना काम करो, काम पे ध्यान दो जी जी। आप बम्बई शहर सिर्फ एक के लिए ही नहीं होता है बेटा, आपका हाथ रहेगा तो ठीक है जी जी। बम्बई शहर में क्या होता है कैसे होता है बोल देना कि मेरा एक अनजान भैया भी है, देख लेगा जी जी जी। हम वैसे भी रिकॉर्डिंग आप सुने होंगे, किसी का नाम नहीं बताया है कि मतलब ये हमको बोला है चाहे नहीं बोला है गाने के जी। किसी से फोन पे बेटा बदतमीजी से बात मत करना, नहीं नहीं अच्छे से बात करना, हम्म, ठीक है जी।
अच्छे से बात करने के बाद जी जी सिस्टम क्या होता है और सिस्टम में क्या क्या कैसे कैसे होता है जी जी उसके लिए तुम्हारा एक बड़ा भाई है बॉम्बे में ही, ठीक है जी जी बाबू जी भैया बेटा वो तुमको समझा रहे हैं सिस्टम क्या होता है जी जी अब 5 दिन में बॉम्बे में वो क्या कर देंगे तुम्हारा ठीक है जी जी बोलना कि मान लो कि मैं गलत किया हूँ भैया तुमसे सीनियर है तो भैया ही बोलना जी ठीक है मान लीजिए कि मैं गलत किया हूँ भैया लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं वह बड़का मरद भाई वन ये इज्जतदार के काम अरे साला चूतिया तो है पागल है जाने दो बेटा अपना मुंह से फालतू बात मत बोलो तुम नहीं भैया मुझे बहुत गुस्सा लगा था जब मुझे बहुत गुस्सा लगा था कोई बात नहीं कोई बात नहीं है अपना काम करो काम पे ध्यान दो माता पिता का सेवा करो जी भैया जी बाकी हम तुम्हारे लिए बॉम्बे में खड़े हैं ठीक है जी भैया थोड़ा ध्यान रखिएगा बस इतना ही कहेंगे खुश रहो बेटा खुश रहो प्रणाम प्रणाम